हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है मंडे का दिन, तो मैं अभी सुबह का काम जो भी होता है, झाड़ू पोछा, वो हो गया है और अब मैं हो रही हूँ यहाँ पर रेडी, क्योंकि मंडे है, मेरा फास्ट है। मैं मंदिर जाऊँगी तो वहाँ पूजा करनी है मुझे मंदिर जाकर, तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जा रही हूँ। और रिक्वेस्ट थी कि मैं साड़ी पर ब्लॉग बनाऊँ और ये भी थी, और दो पोनीटेल करके, तो मैं अभी तो बाहर जाऊंगी तो मैं बाहर तो दो पोनीटेल करके नहीं जाऊंगी, तो अभी मैं जैसे तैसे थोड़ा सा बाल बना के और बस मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है। इसलिए बहुत जल्दी है, मॉर्निंग का टाइम है और इसीलिए वीडियो वगैरह जल्दी से नहीं शूट हो पाती है, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत बिजी होता है, सभी का होता है। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर में। तो थोड़ा सा मैंने वहाँ का भी वीडियो शूट किया, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मेरे जो मैंने मंडे का फर्स्ट मंडे का था, तो वहाँ पे मेरे को बोला था कि किसी ने मेरे को बोला था कि आपने मंदिर का क्यों नहीं शूट किया। तो आज ले आई हूँ थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए मंदिर का भी। तो चलिए आप लोग आगे वीडियो इन्जॉय करिए, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई हूँ मैं अभी पूजा करने के बाद। और मैंने नाश्ते में आज बनाया है दलिया, जो कि पतंजलि की दलिया है, मिक्स आती है ये, मार्केट में आसानी से मिल जाती है और बहुत पौष्टिक है ये दलिया। मैंने आज इसकी रेसिपी नहीं शेयर करी है, कभी फिर से मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को साथ शेयर कर दूँगी कि कैसे बनाते हैं। और जितना इसमें सब्जियां डाल के बनाई जाए, ये उतनी ही हेल्दी बनती है। और अभी मैं सबको नाश्ता दे देती हूँ, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ ये दलिया देखने में कैसे लगती है, जबकि इसमें अभी आज मैंने कोई सब्ज़ी ऐड नहीं करी है, क्योंकि इस समय सब्ज़ियाँ नहीं थी मेरे पास घर में, तो सिर्फ टमाटर और प्याज डालकर बनाया है। और बस अभी मैं जाती हूँ, जो कि रिक्वेस्ट थी कि मैं साड़ी में दो पोनीटेल करके दिखाऊं, तो वही पोनीटेल करूँगी। और मेरी दो चोटी के बहुत सारे व्लॉग हैं, तो जिनको दो चोटी के व्लॉग देखने हैं तो वो ज़रूर देखें मेरे, मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। तो और ये बहुत टाइम से मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है साड़ी पर, मैं बहुत चोटियाँ बहुत सारे व्लॉग बना चुकी हूँ, अब सेम वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा देरी हो गई, मन नहीं कर रहा था, लेकिन आपकी इतनी रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आई माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ मॉर्निंग से, और आज है मंडे और आप लोग दो छुट्टी देख रहे हो, तो मुझे भी हंसी आ रही है दो छुट्टी देख कर अपने पर। और रिक्वेस्ट थी कि दो पोनीटेल करूँ मैं, इसीलिए मैंने आज ब्लॉग में कर रखा है। ब्लॉग साड़ी में था, तो देखिए मैंने साड़ी भी पहन रखी है, ये देखिए साड़ी पहन रखी है और दो पोनीटेल कर रखी है। तो बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो और व्लॉग। आज मैंने मॉर्निंग से, तो नहाने से जब से स्टार्ट किया था, तो देखती हूँ कहाँ तक स्टार्ट होता है। और ये देखिए मेरे बाल थोड़े कटे हुए हैं ना, तो छोटी की है तो ये निकल रहे हैं। और मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे काम ही करना है और थोड़ा सा वहाँ बाहर आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ किचन में आ गई थी। तो फ्रेंड्स, दो छोटी में ब्लॉग है और गुस्सा हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स गुस्सा मत होया करिए, क्योंकि आप लोगों से ही है और थोड़ा टाइम लगता है भाई, कोई भी है आपकी रिक्वेस्ट पूरा करने में, तो उसको माइंड नहीं किया करिए। और रही ऑन करने की बात कि अरे आप वीडियो नहीं बनाते हो, तो ऐसा नहीं है, मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, बाद में मेरी रेगुलर वीडियो आएंगी, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है इसलिए। तो चलिए अभी मैं लंच की तैयारी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोपहर का मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने दाल चढ़ा दी थी बनने के लिए, तो दाल भी मेरी बन गई है और इसको मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि मैं इसी में चावल भी बनाऊँगी, तो दाल निकालने के बाद अभी चावल। और मैंने लंच भी बनाते हुए ज़्यादा नहीं वीडियो शूट किया, क्योंकि नॉर्मल सिंपल सा मैं खाना बनाऊँगी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैंने जो पोनीटेल की थी उसको मैंने बन बना दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पोनीटेल में बाल खुले हुए थे, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसी को मैंने बन में कर दिया है। फ्रेंड्स, फिर लंच वगैरह करने के बाद मैंने दोपहर में रेस्ट किया था, और फिर शाम के टाइम चाय वगैरह पीने के बाद, फिर मैंने उसे 4 बजे चाय पीने के बाद थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने सोचा आज व्रत है तो मैं आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरा फास्ट वगैरह होता है, तो मैं
आलता वगैरह लगाती हूँ, तो आज मैंने ये आलता लगाया है और मैंने इसकी डिज़ाइन बनाई है, बट मैं अभी ये व्लॉग में नहीं शेयर करूँगी इसकी मैं, और इसका डिज़ाइन पहले जाएगा या मेरा व्लॉग पहले जाएगा, क्योंकि ये मेरे क्योंकि व्लॉग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एडिटिंग में, तो मैं देखती हूँ जो पहले हो जाएगा तो आप लोगों तक पहुँच ही जाएगा, आप लोग ज़रूर देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम, करीब ये बज रहा है 6:30 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे शाम को सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ियाँ मैंने जैसा कई बार मैं बता चुकी हूँ आज के व्लॉग में, सब्ज़ियाँ मेरी ख़त्म हो गई हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ टमाटर और प्याज की चटनी टाइप सब्ज़ी बना रही हूँ। ये बहुत अच्छी बनती है और सिर्फ दो लोग ही खाएँगे, मतलब दो तीन लोग ही हैं, बाकी ज़्यादा खाते कोई नहीं है, और ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मैंने आज कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, फिर से कभी शेयर करूँगी तो आप लोगों के ज़रूर मैं इसका वीडियो दिखाऊँगी बनाते हुए ये सारी रेसिपी, अगर आप लोग बोलोगे। और ये देखिए मैंने साबूदाने की खिचड़ी बना रखी है, तो मेरा फास्ट है तो मैंने इसकी भी कोई रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि इसकी वीडियो तो मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका कोई बनता नहीं है। तो फ्रेंड्स बस मैं आगे वीडियो नहीं बना पाई, तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।